हेलो फ्रेंड्स, सांगरिया आदर्श स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमारी बात हुई विभवमापी से रिलेटेड, जिसमें अभी तक हम लोग समझ चुके हैं विभवमापी का सिद्धांत क्या है, इसकी बनावट क्या है, इसकी सुग्राह्यता क्या होती है, हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए इसके उपयोग के समय, और इसका मानकीकरण किस प्रकार से हम करते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, विभवमापी का उपयोग कहां कहां पर करते हैं। आगे हम टॉपिक लेने वाले हैं विभवमापी के अनुप्रयोग की। विभवमापी के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग हम लोग ले रहे हैं प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। विभवमापी की सहायता से किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। इसका जो सर्किट होता है, प्राइमरी सर्किट सेम है। प्राइमरी सर्किट में क्या किया हमने, संचायक से ये विभवमापी के तार ए बी के ए सिरे से एक संचायक सेल, इसके पॉजिटिव को, इसके नेगेटिव को कुंजी के से, कुंजी से धारा नियंत्रक को, और धारा नियंत्रक से टर्मिनल बी जोड़ते हैं। ए सिरे से ही एक प्राथमिक सेल के धनाग्र को यहां वो सेल प्रयुक्त करते हैं जिसका हमें विद्युतवाहक बल ज्ञात कर सॉरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। इसके ऋणाग्र को गैल्वेनोमीटर से और गैल्वेनोमीटर को जॉकी से जोड़ते हैं। इसके बाद जो सेल लिया है प्राथमिक सेल, इसके समांतर में एक प्रतिरोध बॉक्स और साथ में एक कुंजी K2, इसे हम K1 कर देते हैं, जोड़ते हैं, और इस तरह का पूरा सर्किट बन जाता है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट। इसी को अगर मैं दिखाऊं परिपथ के रूप में, तार ए बी ए से एक संचायक सेल ई नॉट के धनाग्र को, इसके ऋणाग्र को कुंजी के वन से धारा नियंत्रक आर एच को, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी सर्किट। इसके बाद ए से ही एक प्राथमिक सेल के धनाग्र को, इसके ऋणाग्र को गैल्वेनोमीटर से और गैल्वेनोमीटर से जॉकी जे जोड़ते हैं। इसके बाद इस सेल के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध बॉक्स और साथ में एक कुंजी और जोड़ते हैं जिसे हम कहेंगे K2, और इस तरह से सर्किट कंप्लीट हुआ जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सर्किट। ये इसकी बनावट या परिपथ की संरचना हो गई। यह एक्चुअल सर्किट है और यहां पर हम परिपथ चित्र ले रहे हैं। अब बात करते हैं इसके वर्किंग की, इसके क्रियाविधि की। क्रियाविधि में सबसे पहले कुंजी K1 को बंद कर
इस केस में K2 को हमने ऑफ रख रखा है, K1 को बंद कर जॉकी द्वारा संतुलन बिंदु प्राप्त करते हैं, धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। K1 को बंद कर जॉकी द्वारा धारा मापी में शून्य विक्षेप प्राप्त करते हैं। यदि संतुलन लंबाई प्राप्त हो L1 या L0, कुछ भी ले सकते हैं। K1 को बंद मतलब ऑन कर जॉकी द्वारा शून्य विक्षेप प्राप्त करते हैं। यदि संतुलन लंबाई L1 हो, यदि संतुलन लंबाई L1 हो तो विभव मापी के सिद्धांत से तो विभव मापी के सिद्धांत से इस केस में सेल जो है वो खुले परिपथ में है। जब मैं इस कुंजी को ऑन कर दूंगा, बंद कर दूंगा K2 को, तो उसमें भी धारा प्रवाहित होगी और उस अवस्था में कहूंगा कि ये सेल बंद परिपथ में है। और जब कोई सेल खुले परिपथ में होता है तो उसके सिरों पर जो उसके टर्मिनलों के मध्य जो विभवांतर होता है वो सेल के विद्युत वाहक बल को बताता है। और जब सेल बंद परिपथ में होता है, यानी केंद्र कुंजी K2 को बंद करूंगा, उस केस में जो दोनों टर्मिनलों के मध्य विभवांतर होता है वो बताता है टर्मिनल वोल्टता को। अभी सेल खुले परिपथ में है, अभी मैंने K2 को ऑफ रख रखा है, तो यहां ये कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहां जो संतुलन लंबाई हमको प्राप्त होगी वो इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगी। तो विभवमापी के सिद्धांत से क्या बोलूंगा, सिद्धांत से सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल यानी E बराबर क्या, XL। ध्यान रखने वाली बात है, इस स्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल हमें प्राप्त होगा E बराबर XL, XL1, इक्वेशन 1। अब क्या करें, कुंजी K2 को बंद करें, और जैसे कुंजी K2 को बंद कर प्रतिरोध बॉक्स में कोई प्रतिरोध लूंगा तो यहां भी धारा प्रवाहित होगी और फिर से शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करूंगा। तो अब जो संतुलन लंबाई मिलेगी हमको वो विभव मापी के सिद्धांत से सेल के टर्मिनल वोल्टता को बताएगा। अब क्या करें, कुंजी K2 को बंद कर पुनः संतुलन लंबाई प्राप्त करते हैं। संतुलन लंबाई प्राप्त करते हैं, यदि संतुलन लंबाई L2 हो, यदि संतुलन लंबाई L2 हो तो विभव मापी के सिद्धांत से क्या मिलेगा, अब इस सेल की टर्मिनल वोल्टता मिलेगी, से
सेल की टर्मिनल वोल्टता V बराबर V इज इक्वल टू क्या एक्स एल टू इक्वेशन टू। पहले से हम लोग जानते हैं विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध के मध्य संबंध से होता क्या है, ये होता है E बराबर V प्लस I R। तो यहां से I R बराबर क्या मिला, I R बराबर E माइनस V। तो R बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, E माइनस वी अपॉन आई, जहां I इज इक्वल टू क्या है, जहां I इज इक्वल टू है V अपॉन R। R यहां पर क्या, प्रतिरोध बॉक्स में प्रयुक्त प्रतिरोध। तो R बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, E माइनस वी अपॉन वी आर। अब E और V के मान कहां से, समीकरण एक और दो से रख दें, E व V के मान रखने पर, तो R बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, E का मान क्या एक्स एल वन, वी का मान क्या एक्स एल टू, एक्स एल वन माइनस एक्स एल टू अपॉन क्या एक्स एल टू इन टू आर। इधर से यहां से x कैंसिल हो जाएगा, x ऊपर भी x नीचे कैंसिल हो जाएगा और r इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, l1 वन माइनस एल टू अपॉन एल टू इन टू आर। इस तरह से हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल अगर देखें मान लो क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिया गया है, एक विभवमापी के प्रयोग में जब सेल खुले परिपथ में है तो संतुलन लंबाई 120 सेंटीमीटर प्राप्त होती है, यानी L1 बराबर क्या 120 सेमी। और जब इसे बंद परिपथ में रखा जाता है तो 2 ओम प्रतिरोध के लिए, जब इसको बंद परिपथ में रखेंगे तो यहां हमें प्रतिरोध प्रयुक्त करना पड़ेगा, जब इसे बंद परिपथ में रखते हैं तो 2 ओम प्रतिरोध के लिए जो संतुलन लंबाई प्राप्त होती है वो 20 सेमी प्राप्त होती है। तो पूछ लिया सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, दे रखा है L1 120, R 2 ओम, L2 20 सेमी और R हमें स्मॉल R हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, R इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इन टू आर। एल वन क्या 120 सेमी, L2 क्या 20 सेमी अपॉन L2 अगेन 20 सेमी और इन टू आर कितना लिया है मैंने 2 ओम। सॉल्व करें इसको, 100 अपॉन 20 इंटू टू, 20 से 5 बार, 5 इंटू टू, दिस इक्वल टू 10 ओम। इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध 10 ओम होगा। इस तरह से हम किसी सेल
की के लिए आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।